बेटी को देखिए कैसे खड़ी है, देख रही है सचिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। गाइस गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, अच्छे से बोलो गुड मॉर्निंग। नहीं गाइस, छोटी एकदम स्कूल में है जैसे बोल रही है। आज गाइस बस हम और छोटी ही है घर पर और कोई भी नहीं है, है ना छोटी। हम लोग का विंटर वेकेशन चल रहा है। चलिए गाइस, अब छोटी लोगों का आज आप लोग को धान दिखाते हैं कितना सारा धान हुआ है और कित वो लोग मतलब सीविंग वाला जो प्रोसेस होता है ना, धान से भूसा को अलग करने वाला, वो प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए इधर गांव तरफ कैसे होता है, दिखाते हैं आप लोग को। फिर से मेरा डक सब देखिए कुड़कुड़ कर रही है, कुड़कुड़ू। तो एक डक के लिए कहते हैं छोटे नहीं, छोटे लोग का इतना सारा धान हुआ है इधर। ये देखिए ये पूजा हुआ था ना छोटे, पूजा हिंच ना पूजा हुआ था छोड़े। देखिए इतना सारा हो गया है धान पीटा है, देखिए मशीन हम लोग का। ये सब देखिए, इसमें भूसा से ये सब में खराब सब जो है वो सब अलग करना है। देखिए वही वाला प्रोसेस चल रहा है, देखिए सीविंग जिसको हमने इंग्लिश में सीविंग बोलते हैं, हिंदी में तो याद नहीं आ रहा। पंखा चल रहा है, जितना भी भूसा था सब उड़ के उधर चला जा रहा है और सब बच रहा है धान सब। चलो तो सीधे उधर देखिए इतना सारा धान अलग हो गया है, ये देखिए पूरा। अभी जो हम लोग कल परसों मछली पकड़े थे उसका हम लोग अभी भी रखे हुए हैं, देखिए पूरा जिंदा है अभी भी मछली सब। देखिए सिस्टम कैसा बना हुआ है, एकदम मस्त। देखिए देख सकते हैं यहाँ से, ये वाला जो एक्वेरियम में रहता है वो वाला मशीन है। देखिए इसको ऑक्सीजन के लिए वाला लगाया हुआ है, पानी पूरा गंदा हो गया, इसका पानी बदल देते हैं। ये देखो छोटी का क्या कर रही, छोटी छोटे क्या कर रही है। गाइस अभी देखिए दिख रहा है पानी कम कर दिया, जा रहे इसको चेंज कर देते हैं, पानी तो बहुत गंदा हो गया है तो चेंज कर देते हैं। देखिए सारा मछली अभी जिंदा है, दो दिन हो गया। आते ही ऐसे नहीं, देखिए इतना थोड़ा सा पानी फिर भी नहीं पकड़ा रहा सब। बोला तुम बोली है कि नहीं, लड़का है की करे लगली होते तो लग भी गई नहीं बुझले छोटे। नहीं है लड़का भला करे ना बस भला करे दौर ए बोका उठा लग ढाल भी नहीं आए। चलो ढुका भी नहीं, ले ले पाले तेरे चलो देख मुझे जा से
गाइस आ गया सचिन के स्कूल। देखिए ये सचिन के स्कूल, छोटी को देखिए कैसे खड़ी है, देख रही है सचिन। अंदर में बहुत सारे बच्चे हैं। निकल गया गाइस सचिन, इसका एग्जाम चल रहा है इसलिए इसका जल्दी छुट्टी हो गया। ये छोटी छोटी को खतरा दिख रहा। तो गाइस आ गए हैं वापस से घर, और देखिए हम लोग रोड में पूरे क्या बोलते हैं पुआल सब है। देखिए ये सब में दिया हुआ, अपने गाड़ी सब चलता है ना तो ये सब झड़ जाता है, इसलिए चलिए अब जान चलते हैं कादर भाई के पास। वही वहीं जा रहे हैं, उसका मशीन देखने गए। तो मशीन से हवा देता है, फिर मस्त उड़ा देता है एक ही बार। ये देखिए पहुंच गए हैं। वाह बटू तो भुट्टा दे, देखते तो तू ये वो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मशीन से बहुत आवाज़ कर रहा है। लो देखी तब उड़ा दे। কত জোরে হাওয়া ফেঁকছে এদিকে, ঘুরাও না টুকু ঘুরাও না এদিকে, কত জোরে হাওয়া ফেঁকছে বহুত তেরি একটু আমার চুলি এদিকে ঘুরাও হ্যাঁ না ঘুরাও ভাই। আপনি দেখে আপনি ওলা মেশিন যে হ্যাঁ পর জেসে যে কাম কর রে থে লোক তো পুরানা বড় টেকনিক হে ইয়ে খটিয়া वाला, और अभी देखिए नया वाला मशीन वाला हवा से उड़ जा रहा है पूरा। मेहनत है लेकिन दोनों में मेहनत है। गाइस अब जा रहे हैं हम लोग ओला मछली को छोड़ देने के लिए, लाल वाला कह रहे गाइस अभी जा रहे हैं मछली तो जो गोल्ड फिश है ना उसको छोड़ देने के लिए वापस तालाब में। वो इतनी बड़ी है और मारने का मन नहीं कर रहा, बहुत क्यूट दिख रही है, तो जा रहे वापस से छोड़ देंगे उसको तालाब में। हाँ नहीं गाइस जा रहे हैं इसको छोड़ देंगे वापस से गोल्ड फिश को। चलो बान गाइस पहुंच चुके हैं तालाब में। देखिए अभी छोड़ देगा सचिन मछली ठो, हाँ बहुत स्पीड है से छोड़ दे रहा है। चलिए चला गया गाइस, चलिए अब हम भी जा रहे हैं घर। नहा लिए हम सुबह में, अभी नहीं नहाएंगे गाइस। देखिए आप लोग मछली को छोड़ दिए, अच्छा नहीं लगता है गाइस मारने में, वो भी इतना सुंदर दिख रही है एकदम छोटी है पूरा, तो उसको मछली को छोड़ दिए वापस से तालाब में। और देखिए अब आप लोग को दिखाए थे खेत सब पिछला बार कितना हरा भरा था, अभी देखिए पूरा सब्जी उब्जी लग रहा था धान के बाद। अभी देखिए यहाँ से शायद लौकी उकी कुछ लगा हुआ है। चलिए गाइस अब जाते हैं घर और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए ब्लॉग के साथ। चले तब तक के लिए बाय बाय।